माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह बजट न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रदेश की विगत तीन वर्षों की विकास यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार के सतत प्रयास से और प्रदेशवासियों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिली है, एक नई नीति मिली है। प्रदेश की सुनियोजित और समग्र विकास की आधारशिला के रूप में दिसंबर 2013 में प्रस्तुत किए गए विजन 2020 को आधार मानते हुए प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। विरासत में मिली चरमराई अर्थव्यवस्था, अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण प्रगति को ये सफर अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा और आज फिर दोहराती हूँ, प्रदेश के विकास के लिए हमें हर प्रकार की चुनौती मंजूर है और हमारी सरकार प्रदेशवासियों के विश्वास की पूंजी से ऐसी प्रत्येक चुनौती का सामना करने को भी तैयार है। मैंने पूर्व में इस सदन को विस्तार से अवगत कराया है कि किन विषम आर्थिक स्थितियों का सामना हमें करना पड़ा है। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमने प्रदेश के विकास में कोई अवरोध, कोई अड़चन नहीं आने दी है। इसका परिणाम आप सभी के सामने है। पिछले तीन वर्षों में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। कौशल विकास में लगातार दो वर्षों से सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में ई गवर्नेंस का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। भामाशाह परियोजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार, राजधारा जीआईएस को एसरी अवार्ड, एलईडी लाइट लगाने में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, दिव्यांग व्यक्तियों को सर्वाधिक ऋण देने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विकास सहकारी निगम को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, भारत सरकार से कृषिक्रमण पुरस्कार प्राप्त हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया और प्रदेश को सराहनीय कार्यों के लिए ऐसे अन्य सम्मान व पुरस्कार मिले हैं। इन कार्यों की सराहना केवल प्रदेशवासियों ने की है बल्कि देश विदेश से आए अधिकारियों, उद्योगपति और राजनयिकों ने भी की है। यह निश्चित तौर से टीम राजस्थान के लिए उत्साहवर्धक है, परंतु हमें इन उपलब्धियों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और प्रदेश के चौमुखी और समग्र विकास के लिए सच्ची लगन, निष्ठा और पूरी ईमानदारी से और अधिक परिश्रम करना है, जिससे कि हमारी विकास योजनाओं का भरपूर लाभ समाज का प्रत्येक वर्ग उठा सके। विजन 2020, इसके तहत प्रदेश के विकास की हमारी परिकल्पना के तीन प्रमुख आधार स्तंभ हैं। पहला, निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास में तेजी लाना और दूसरा, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, सुशासन कायम रखना, जिसके अंतर्गत न केवल जन अभाव अभियोग का निराकरण करना निहित है बल्कि जिसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी की सुगमता और साथ में बदलते समय के अनुसार नीतिगत सुधार के साथ साथ आधुनिक एवं प्रासंगिक नीति निर्धारण शामिल है। हमारा तीसरा आधार स्तंभ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जिसके अंतर्गत सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए साथ साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना शामिल है। संक्षिप्त में, जहां एक और आर्थिक आधारभूत संरचना जैसे बिजली पानी सड़क को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है, वहीं सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करना, राजस्थान को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ आपदा प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि हम खुशहाल राजस्थानी की अवधारणा को साकार कर सकें। हमारी यह सोच रही है कि प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्राथमिकताओं का निर्धारण उन क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात करना चाहिए। हमने पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जल संरक्षण, ऊर्जा, ग्रामीण,
शहरी विकास, सामाजिक उत्थान, खाद्य सुरक्षा तथा निवेश के क्षेत्र में गत 3 वर्षों में समग्र विकास बस यही प्रयास को अपनाकर प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग अलग पहल व नवाचार प्रारंभ किए हैं, जिसके बेहद उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के राज्य बजट के प्रस्तुतिकरण में भी 2 प्रमुख नवाचार समाहित किए गए हैं। पहला, बजट में प्लान तथा नॉन प्लान व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। बजट में प्लान व्यय को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर तथा नॉन प्लान व्यय को नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता रहा है। इन कारण संपत्तियों के रखरखाव हेतु प्रायः समुचित प्रावधान नहीं हो पाता था तथा बजट में प्लान व्यय के लिए अधिकतम प्रावधान रखने का प्रयास किया जाता था। हमने व्यय के इस कृत्रिम वर्गीकरण को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार द्वारा भी वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में प्लान तथा नॉन प्लान व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। बजट में किए गए इस नवीन सुधार से व्यय का समग्र दृष्टि से प्रावधान तथा संसाधनों का श्रेष्ठ एवं यथोचित उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा, लेस पेपर बजट प्रस्तुतिकरण की दिशा में अग्रसर होते हुए हमने बजट मुद्रण को कम करने का प्रयास किया है। वर्ष 17-18 के राज्य बजट से संबंधित केवल बजट खंड 1, बजट संबंधी सारगर्भित विवरण, बजट स्टडी तथा बजट एट अ ग्लांस को ही पूर्व वर्षों के अनुसार प्रिंट करवाया गया है। शेष बजट खंड जो बल्कि होते हैं कि कुछ प्रतियां रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करवाई गई हैं। माननीय विधायकों तथा माननीय सांसदों को यह बजट CD और पेन ड्राइव में अब उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम में सहयोग के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सुशासन के संकल्प से समृद्धि के शिखर की ओर राजस्थान को ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हमने नवीन योजनाओं और नवाचार के साथ साथ अब तक के कार्यों को कंसोलिडेट करते हुए उनको और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, जिससे प्रदेश के सभी नागरिकों को समुचित सुविधाएं मिल सकें एवं उनके जीवन स्तर में परसेप्टेबल सुधार नजर आए। आर्थिक आधारभूत ढांचा, जिसमें सड़क, हमारी सरकार के गत 3 वर्षों में सड़क के क्षेत्र में 20,822 करोड़ रुपए का व्यय कर 4,281 ग्राम धानी और मजरों को सड़क से जोड़ा है, जबकि गत सरकार ने अपने 3 वर्ष में मात्र 9,157 करोड़ रुपए का व्यय कर केवल 661 गांव ढाणी और मजरों को सड़क से जोड़ा था। हमने गत 3 वर्ष में 15,278 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण 4,637 करोड़ रुपए का व्यय करके सुनिश्चित किया है, जो कि गत वर्ष से के 5 वर्ष में हुए 12,554 किलोमीटर लंबाई तथा उस पर हुए 2,993 करोड़ रुपए के व्यय से भी अधिक है। राज्य के ग्रामीण सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रामीण गौरव पथ योजना के प्रथम चरण में 1,972 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नाली सहित ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण के तहत 2,086 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 1,253 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिन्हें आगामी वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मिसिंग लिंक योजना के प्रथम चरण में 2,246 किलोमीटर लंबाई के मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण चालू वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। द्वितीय चरण में 1,820 किलोमीटर लंबाई की 808 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। राज्य के 9,894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 5,907 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शेष रहे 3,987 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में आगामी 2 वर्षों में ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे और आगामी वर्ष में 2,000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1,200 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। नाबार्ड योजना RIDF 22 के तहत इस वर्ष
825 करोड़ रुपए के 5000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 1518 कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जो आगामी वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। RIDF 23 के तहत आगामी वर्ष में 800 करोड़ रुपए की लागत से 5000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। राज्य राजमार्गों को विकसित किए जाने की दिशा में 1580 करोड़ रुपए की लागत से 796 किलोमीटर लंबाई की निम्न 15 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। चौमू चंदवाजी 15 किलोमीटर, हनुमानगढ़ अबोहर 43 किलोमीटर, देवली कनवास 15 किलोमीटर, आलोट गंगधार सुमासरा 25 किलोमीटर, खेडली पहाड़ी 61 किलोमीटर, बाड़मेर सिंदरी जालोर 148 किलोमीटर, सांडेराव मुंडारा सेक्शन 29 किलोमीटर, पीलीबंगा लखुवाली 35 किलोमीटर, सरदारशहर लूनकरनसर 76 किलोमीटर, चूरू भालेरी लंबाई 35 किलोमीटर, सांजू तरनाव 17 किलोमीटर, रूपनगढ़ नरेना 35 किलोमीटर, नागौर जायल डीडवाना सालासर लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ 196 किलोमीटर, अजीतगढ़ चला 33 किलोमीटर, सिंगाना बुहाना हरियाणा सीमा 33 किलोमीटर। साथ ही 441 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 402 किलोमीटर लंबाई की निम्न 19 सड़कों को विकसित किए जाने का कार्य प्रारंभ किया है। नोहर पल्लू 67 किलोमीटर, जस्टाना बोली निवाई 13 किलोमीटर, डूंगरपुर बिछीवाड़ा 17 किलोमीटर, सीकर हर्ष पर्वत 15 किलोमीटर, आबू रोड अंबाजी 14 किलोमीटर, प्रतापगढ़ अरनोद 24 किलोमीटर, सांचोर रानीवाड़ा रेवधर आबू रोड 26 किलोमीटर, बेनाड़ भोपालगढ़ 10 किलोमीटर, दौलतपुरा लौसल 23 किलोमीटर, मांगरोल सीसवाली अंता सांगोद 14 किलोमीटर, बारा नहारगढ़ 18 किलोमीटर, दौसा कुंडल बांदीकुई 12 किलोमीटर, धौलपुर राजाखेड़ा 32 किलोमीटर, बस्सी तुंगा लालसोट 41 किलोमीटर, छबड़ा कुंभराज 28 किलोमीटर, कनोल माल्याखेड़ी खेड़ा 7 किलोमीटर, तिड़ोकी बड़ी गाड़ोदा मिरन पाटोदा 16 किलोमीटर, खेतड़ी सिंघाना 13 किलोमीटर और लसाड़िया धरियाबाद 12 किलोमीटर। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम के माध्यम से 410 किलोमीटर लंबाई की निम्न 8 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। बूंदी बिजोलिया 50 किलोमीटर, दोहराती हूँ, प्रदेश के विकास के लिए हमें हर प्रकार की चुनौती मंजूर है। 968 करोड़ रुपए की लागत से 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का विकास कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राज्य के 13 जिलों में खनिज महत्व के 220 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों का विकास 242 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा, जिनमें से कुछ प्रमुख सड़क निम्नानुसार हैं: आमेट केलवा 18 किलोमीटर, सरदारगढ़ अमेठा 40 किलोमीटर, टोडा रायसिंह बोटुंदा 20 किलोमीटर, मासलपुर जगनेर वाया बसेड़ी 15 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम के अंतर्गत 1480 बसावटों को सड़कों से जोड़ने के कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण की सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण कर प्रदेश अब द्वितीय चरण के लिए पात्र हो गया है। सड़कों के उन्नयन व रखरखाव की योजना के द्वितीय चरण में आगामी वर्ष में 3465 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के कार्य अब प्रारंभ करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य करवाया जाएगा, जिस पर आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। केकड़ी कस्बे के अंदर से नसीराबाद देवली स्टेट हाईवे गुजर रहा है। इस मुख्य सड़क पर विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थित है तथा विद्यार्थियों के साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए 17 किलोमीटर लंबाई के केकड़ी बाईपास का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। जोधपुर जिले की बाप तहसील के भडला में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। आवागमन की सुविधा हेतु 38 करोड़ रुपए की लागत से 45 किलोमीटर लंबाई की बाप के से कानासर तक
डबल लेन सड़क का निर्माण किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की सड़कों का विकास कार्य 30 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6,657 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 16-17 के संशोधित अनुमान से 58.47% अधिक है। यहाँ सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी, जिस दिन से चली हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए VGFs के आधार पर इंट्रा स्टेट हवाई सेवा योजना प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर को जयपुर से जोड़ा गया है। शीघ्र ही कोटा, अजमेर और रणथंबोर सवाईमाधोपुर को भी जयपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जयपुर को सीधे जैसलमेर और आगरा और बीकानेर को सीधे नई दिल्ली से हवाई सेवाओं से जोड़ने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार VGF दिया जाएगा और अन्य आधारभूत सुविधाएं यथा ATF पर VAT में कमी और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। आगामी वर्ष में हवाई पट्टियों के रेनोवेशन और मरम्मत कार्य के लिए 16,54,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। परिवहन, सिंधी कैंप बस अड्डे के विकास और मल्टी मॉडल बनाने का कार्य RSRDC द्वारा किया जा रहा है, जिस पर 6,50,00,000 रुपए का व्यय किया गया था। आम जनता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सिंधी कैंप बस अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जाएगा। पेयजल, प्रदेश की कुल 1,21,648 ग्राम ढानियों में से अब तक 55,025 गाँव ढानियों को मार्च 2016 तक पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष समस्याग्रस्त गांव ढाणियों में से 625 गांव ढाणियों को नवंबर 2016 तक लाभान्वित किया जा चुका है एवं इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 2039 गांव ढाणियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष में भी 2500 गांव ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि शहरी एवं ग्रामीण पेयजल परियोजना पर गत सरकार द्वारा प्रथम 3 वर्षों में 6,97 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था, जबकि हमारी सरकार द्वारा प्रथम 3 वर्षों में 13,473 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जो कि दुगने से भी अधिक है। गत सरकार द्वारा संसाधनों के समुचित प्रबंध के बिना भारी लागत की गई मेजर पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। ऐसे 67 मेजर पेयजल परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु हमने समय समय पर विस्तृत समीक्षा की है। हमने गत 3 वर्षों में पूर्व की स्वीकृत 37 मेजर पेयजल परियोजना को पूर्ण करने की घोषणा की थी। इनमें से 32 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और शेष 5 परियोजना अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी। इसी क्रम में 5,292 करोड़ रुपए की लागत की 5,292 करोड़ रुपए की लागत की निम्न 9 लंबित मेजर पेयजल परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाने की घोषणा करती हूँ। एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी पेयजल परियोजना, जिला झुंझुनू एंड सीकर, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना, आवाज, जिला सीकर 2015 में लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की पेयजल परियोजना पूरी होनी थी, सुजानगढ़ पेयजल सरकार ने उसको आज तक पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना मार्च 2015 में पूरी होने वाली परियोजना को, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बस्सी पेयजल परियोजना जिला जयपुर, बीसलपुर बांध में टोंक उनियारा देवली पेयजल परियोजना जिला टोंक, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, ये अधिकार नहीं है आपका, ये बजट में बीच में टोकने का अधिकार नहीं है, नहीं अधिकार है आपका, बजट की गरिमा कम कर रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। अब आपके चुपे दौड़ रहे हैं,
में आपके जलन लग रही है, बजट आ रहा है, शानदार बजट आ रहा है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पीलवा सादड़ी जंबेश्वर नगर पेयजल परियोजना जिला जोधपुर, बोराबास मंडाना पेयजल परियोजना जिला कोटा, चंबल बूंदी क्लस्टर पेयजल परियोजना जिला बूंदी, चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना द्वितीय चरण जिला भीलवाड़ा। इन सभी परियोजना के पूर्ण होने से 19 कस्बों, 2230 गांव और 3430 ढाणियों में निवास करने वाले लगभग 41 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इसी क्रम में निम्न पेयजल परियोजना का कार्य भी प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं। वर्ष 2014-15 में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान हमने पंचायत समिति प्रतापगढ़ के 272, पीपलखूंट के 102 और अरनोद के 180 कुल 554 गांवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जाखम बांध से जल आपूर्ति हेतु DPR बनाने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में इस पेयजल परियोजना का 912 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे लगभग 4 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। अगस्त 2014 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हमने पंचायत समिति क्षेत्र कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु माही बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना के लिए DPR बनाने की घोषणा की थी। अब पंचायत समिति कुशलगढ़ के 212 गांव, 195 ढाणियों और पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 187 गांव तथा 200 ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 684 करोड़ रुपए की लागत से योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे 4 लाख से भी अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। बूंदी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना जिला बूंदी लागत 80 करोड़ 80 लाख। इस परियोजना के से बरड़ क्षेत्र के 34 गांव और 25 मजरे ढाणियों में निवास करने वाले लगभग 97,000 की आबादी लाभान्वित होगी। चाकण बांध से इंद्रगढ़ पेयजल परियोजना जिला बूंदी लागत 73 करोड़ 93 लाख रुपए। इस परियोजना से जिला बूंदी के 2 शहर इंद्रगढ़ और सुमेरगंज मंडी और 45 गांव व 6 ढाणियों में निवास करने वाले 70,000 की आबादी लाभान्वित होगी। डीडवाना शहर जिला नागौर की शहरी जल योजना का पुनर्गठन 2 चरणों में किया जाएगा, जिस पर लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बारा जिले की अंता तहसील के 17 गांव और मागरूर तहसील के 23 गांव की पेयजल समस्या के समाधान के लिए कालीसिंध नदी के समीप गांव सोनवा पर एनीकट निर्माण कर योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। इससे लगभग 1,32,000 से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी और इस पर 105 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वर्ष 2015-16 में जनता जल योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए 135 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत की 1,586 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। वर्ष 2016-17 में 1,000 अतिरिक्त योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए 127 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 767 योजनाएं स्वीकृत कर कार्य हाथ में लिए गए थे। इसी क्रम में 17-18 में 500 अतिरिक्त जनता जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। वर्ष 15-16 की बजट घोषणा के अनुसार सोलर ऊर्जा आधारित 1,000 नलकूपों की स्थापना के विरुद्ध 1,390 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में 346 डीफ्लोरिडाइजेशन यूनिट्स के 132 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के कार्य हाथ में हमने लिए थे। आगामी वर्ष में 1,175 सोलर डीफ्लोरिडेशन यूनिट्स के कार्य हाथ में लिए जाएंगे, जिस पर 137 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में विभाग द्वारा संधारित एवं नहर आधारित 150 डिग्गी पेयजल योजनाओं के दुरुस्तीकरण हेतु 90 करोड़ रुपए के प्रावधान के विरुद्ध 150 पेयजल योजनाओं के दुरुस्तीकरण हेतु 132 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर कार्य हाथ में लिए गए हैं। वर्ष 2017-18 में इसी प्रकार के हेडवर्क्स के नवीनीकरण और डिग्गियों के सुधार कार्य 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी इफेक्टेड क्षेत्रों में RO प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में 895 RO प्लांट स्थापित किए गए हैं।
द्वितीय चरण में 1067 आरओ प्लांट्स 245 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 445 आरओ प्लांट स्थापित किए गए हैं। शेष कार्य 2017-18 में पूर्ण किए जाएंगे। इसके अलावा 17-18 में 1483 और आरओ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एवं जिलों के भ्रमण के दौरान मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं में क्षतिग्रस्त जलाशयों, हेडवर्क्स, पंप गृह आदि संरचनाओं के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना में वर्ष 2016-17 में 19 जिले में इस प्रकार की 275 योजना के जीर्णोद्धार हेतु 32,54,00,000 रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं और शेष कार्य आगामी वर्ष में संपादित किए जाएंगे। राज्य की शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर वर्तमान में नॉन रेवेन्यू जल की मात्रा लगभग 35-40% है। इसमें कमी लाते हुए 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से नॉन रेवेन्यू जल की मात्रा को 15-20% तक कम किया जाएगा और आगामी 2 वर्षों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर शहर में इस हेतु प्रत्येक शहर में किस 2 जोनों में कार्य करवाया जाएगा। जयपुर में 24/7 जलापूर्ति के पायलट कार्य के अच्छे परिणामों के फलस्वरूप कोटा शहर के पेयजल वितरण तंत्र में भी वांछित सुधार कर अगले वर्षों में चरणबद्ध रूप में शहर में 24/7 जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा नॉन रेवेन्यू जल में कमी आएगी। इस कार्य पर 850 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है। कोटा शहर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट शहर में चयनित होने के कारण यह कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड NCRPB के प्राप्त वित्त पोषण के आधार पर करवाया जाएगा। शहरी क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था जिन स्रोत से की जाती है उनमें जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसी कॉलोनियों का चिन्हीकरण कर आम जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2017-18 में भरतपुर जिले के डीग, कुम्हेर, नगर, कामा, नदबई तथा धौलपुर जिले के बाड़ी, सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एवं चुरू जिले के रतनगढ़ तथा राजल देसर कस्बे में निजी जन सहभागिता आधार पर प्रथम चरण में 30 आरओ प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण पर होने वाले व्यय में विद्युत प्रभार पर लगभग 40% व्यय होता है। एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल के तहत निजी कंपनियां पुरानी पंपिंग मशीनरी को अपने खर्च पर बदलकर 7-10 वर्ष तक रखरखाव करती है। जयसमंद उदयपुर, कायलाना जोधपुर आदि योजनाओं पर एनर्जी कंजर्वेशन की मॉडल की सफलता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से राज्य की अन्य शहरी पेयजल योजना का संचालन एवं संधारण एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल पर अब किया जाएगा। पेयजल योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। सुपरविजन कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन स्काडा सिस्टम्स के द्वारा पेयजल आपूर्ति से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस प्रणाली की स्थापना से जल योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाकर जलापूर्ति में सुधार संभव हो सकेगा। आगामी 2 वर्षों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर शहर में चरणबद्ध रूप से स्काडा सिस्टम्स की स्थापना की जाएगी, जिस पर लगभग 120 करोड़ रुपए का व्यय होना अनुमानित है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए आगामी वर्ष में 8,647 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 15.68% अधिक है। ऊर्जा राज्य के विद्युत वितरण निगमों पर 31 मार्च 2014 तक ऋण भार 72,724 करोड़ रुपए हो चुका था तथा वर्ष 2013-14 में वितरण निगमों का घाटा 15,645 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। हमारी सरकार ने ऊर्जा सुधार के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। उदय योजना के तहत विद्युत वितरण निगमों का 62,96 करोड़ 96 लाख रुपए का ऋण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करना इसका एक उदाहरण है। गत 3 वर्षों में जनवरी 2017 तक राज्य में विद्युत उत्पादन में 5,086 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। राज्य में 1,27,000 कृषि कनेक्शन एवं 17,87,000 के से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 765 केवी के 2, 400 केवी के 4, 220 केवी के 26, 132 केवी के 54 ग्रिड सबस्टेशन तथा 33 केवी के 803 सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रसारण व वितरण तंत्र के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी के 2, 220 केवी के 6, 132 केवी के 15 और 33 केवी के 200 नए सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अभी हाल ही में
सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के लिए 1 सितंबर 2016 से बढ़ी हुई विद्युत दरों का भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जो किसानों की कृषि प्रयोजनार्थ दिया जा रहा है वो आगामी वर्ष में बढ़कर लगभग 8,500 करोड़ रुपया हो जाएगा। उदय के 60,000 से अधिक के कर्ज का भार लेने के बाद भी किसानों के हित में हमने ये फैसला लिया, क्योंकि हम मानते हैं कि हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। बूंद 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 फुहारा और डिग्गी सिंचाई पद्धति आधारित कृषि कनेक्शन के लिए सामान्य कृषि श्रेणी की दरें लागू करने की मांग की जाती रही है। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं में दिए गए कनेक्शन को 3 वर्ष पश्चात सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। कृषि कनेक्शन के स्थानांतरण की वर्तमान सीमा को पंचायत समिति से बढ़ाकर जिला क्षेत्र में कहीं भी करने एवं कृषि उपभोक्ता हेतु सिविल लायबिलिटी की अवधि को 2 माह करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी घोषणा करती हूँ कि आगामी 2 वर्ष में सारा सदन इस बात को देख रहा है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक का जो व्यवहार किया जा रहा है इस विधानसभा में, और आज भी जिस तरह मुख्यमंत्री जी के भाषण को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मैं आज एक वार्निंग देता हूं कि तो अगली बार मैं आपका नाम पुकारूंगा और बाहर भेज दूंगा। कई वर्षों में प्रदेश के जनता की आवाज को साथ यह भी घोषणा करती हूं कि आगामी 2 वर्ष में 1 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। और ये तरीका नहीं है, बैठ जाइए, प्रस्ताव लाओ, जो होगा तो देखा जाएगा, निकालें उनको। नो, आपके व्यवहार की हम निंदा करते हैं। आपने जिस तरीके से माननीय सदस्य को बाहर फेंकने की बात करी वो निंदनीय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ये कोई तरीका हुआ? आप एक माननीय सदस्य को अपनी बात नहीं रख सकते, सदन के अंदर बात नहीं रख सकते? क्या बात हुआ इनका? हम सुनना नहीं चाहते। आप बात करो हम आराम से, हम हमारी बात कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे बात? क्या बात हुआ उसका? नहीं तो एक माननीय जो है, हम आसन को जो है उस दृष्टि से देखते हैं, और आसन कहे कि यदि आपको जब बाहर आसन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी उचित नहीं है, प्रतिपक्ष का नेता आसन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी उचित नहीं है, ये मर्यादाओं के विरुद्ध है, क्योंकि टीका टिप्पणी कर रहे हो आपके सूरज संकल्प के अंदर ये बातें जो आपने राजस्थान की प्रजा के जवाब दे दे ना, आप जवाब दे दे ना, आपका मौका आएगा जब जवाब दे देना, आपका मौका आएगा जब बोल देना ना, आप जब आपका उसमें बोलना ना, आपको मौका मिलेगा, बताइए इनको। आप किसी मुख से ये कहा कि माननीय सतीश को बाहर फेंकने का काम करेंगे, ये कोई तरीका हुआ? ये कोई तरीका हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? क्यों नहीं बोल सकते हम? सरकार आपकी है, और आपने उस राजस्थान की प्रजा के बीच में बैठकर और एक लिखित में घोषणा पत्र दिया था, उस घोषणा पत्र के मुताबिक काम करो ना। कौन मना कर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? बात हुई कोई? ये कोई तरीका नहीं है। अब समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, जितना ये लंबा लग करेंगे उतना ही लंबा होगा।
क्योंकि इसको तो पढ़ूंगी। तो साथ ही यह भी घोषणा करती हूं कि आगामी 2 वर्ष में 1 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। गत कई वर्षों से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगमों में नए कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं, जबकि इन वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अतः वितरण निगमों के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नए उपखंड और वृत्त कार्यालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधियों और किसान भाइयों से यह आग्रह करती हूँ कि जहाँ एक और राज्य सरकार ने डिस्कॉम में वित्तीय चुनौतियों के बावजूद भी कृषि की बढ़ी हुई विद्युत दरों को किसानों के हित में वापस लेने का फैसला किया है, वहीं आप सभी विद्युत छीजत को रोकने में राज्य सरकार का पुरजोर सहयोग करेंगे। पर्यटन, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने जनवरी 2016 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर व्यापक स्तर पर अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन का शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठित क्रिएटिव एजेंसी के माध्यम से लघु फिल्म व अन्य क्रिएटिव एड बनाकर देश विदेश के प्रमुख समाचार पत्रिकाओं, टीवी चैनल, सोशल मीडिया आदि माध्यमों के से प्रचारित किया गया है। मीडिया कैंपेन के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ट्रैवल मार्ट, सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर राजस्थान पर्यटन का प्रचार प्रसार किया गया, जिसका अच्छा रिस्पांस प्राप्त हुआ है। वर्ष 2014 में 3,86,00,000, वर्ष 2015 में 3,67,00,000 तथा वर्ष 2016 में 4,30,00,000 देशी विदेशी पर्यटक राज्य में आए हैं। और वर्ष 2016 में 15 की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 17.31% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रायोजित करने के लिए 17-18 में अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के तहत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु 88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं, सौंदर्यकरण, संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। वर्ष कला और संस्कृति में वर्ष 2015-16 में प्रथम चरण में 10 संग्रहालय अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर और जैसलमेर में पुनरुद्धार एवं विकास कार्य करवाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 37,53,00,000 रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। 17-18 में 8 संग्रहालय यथा शाहपुरा, भीलवाड़ा, चंद्रावती सिरोही, मंडोर जोधपुर, विराटनगर जयपुर, आहाड़ उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर और अल्बर्ट हॉल जयपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से संरक्षण एवं विकास कार्य प्रारंभ करवाए जाएंगे। अजमेर और भरतपुर में 2-2, नागौर व कोटा में 1-1 पुरातत्व स्थल के संरक्षण का कार्य 6,86,00,000 रुपए की लागत से प्रारंभ किया गया है, किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों से जुड़े हुए खेतड़ी के फतेह विलास महल के शेष रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य आगामी वर्ष में पूरे कराए जाएंगे तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य संग्रह है। इन हस्तलिखित ग्रंथों को बचाने के लिए इनका डिजिटाइजेशन 12,50,00,000 रुपये की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही संस्थान में उपलब्ध शरीयत पर प्राचीन एवं अनुपम रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी 11,50,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण तथा सिस्टमैटिक विकास के लिए ASI की सहमति व सहभागिता से चित्तौड़गढ़ फोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। आगामी वर्ष में चालकनेची पैनोरामा, चालकना, तन्नोट माता जन्मस्थान बाड़मेर, कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरामा मुंडावर अलवर, मावजी महाराज पैनोरामा बेनेश्वर डूंगरपुर और निम्बकाचार्य पैनोरामा सलेमाबाद अजमेर के कार्य 11 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। राज्य की महत्वपूर्ण वक्फ दरगाहें
जैसे दरगाह हजरत सूफी हमीउद्दीन नागौरी जिला नागौर, दरगाह अधरशिला कोटा, दरगाह ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती उर्फ मिठे महाबली गागरोन जिला झालावाड़ तथा दरगाह हजरत मीरा साहब बूंदी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर 7,58,00,000 रुपये का व्यय होगा। कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग के लिए आगामी वर्ष में 156,83,00,000 रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 49.42% अधिक है। देवस्थान: बिहारी जी का मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर, केशवराय मंदिर केशवराय पाटन बूंदी, सूर्य मंदिर झालापाटन झालावाड़ में 20,00,00,000 रुपये की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने 10,000 वरिष्ठ नागरिकों को 13 धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई है। आगामी वर्ष इस योजना के तहत 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जिनमें से 5,000 वरिष्ठ नागरिक को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार के 40 मंदिरों के लिए भोगराग हेतु 36,000 रुपये वार्षिक तथा 350 मंदिर हेतु प्रति मंदिर 1,200 रुपये वार्षिक का प्रावधान है। आगामी वर्ष में इस राशि को बढ़ाकर दुगुना किया जाएगा। बनारस उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे माणिककर्णिका घाट के पास स्थित महादेव मंदिर एवं कुंड, जो अलवर मंदिर के नाम से विख्यात है, के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य 1,00,00,000 रुपये की लागत से करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री राधा माधव जी मंदिर, जो जयपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना का शताब्दी वर्ष मई 2017 में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मंदिर के सौंदर्यकरण, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि के लिए 50,00,000 रुपये की घोषणा करती हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार तिरुपति बालाजी तथा बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व को देखते हुए वहाँ पर धर्मशालाओं की व्यवस्था करवाएगी। वन: ऐतिहासिक नगर जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आकल में वुड फॉसिल पार्क है। इस वुड फॉसिल पार्क में मौजूदा फॉसिल को संरक्षित करने, इन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने एवं पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना पर 10,90,00,000 रुपये का व्यय होगा और वर्ष 17-18 में इसके लिए 5,00,00,000 रुपये का प्रावधान